हाँ जी, तो यूवी रूल का एक पर्टिकुलर और एग्जांपल है जो तुम्हें करवाना है, ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान से देखना। एंड है ये सिंगल फंक्शन बट स्टिल वन लेके नहीं किया जाता, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज सीकेंट क्यूब एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, ठीक है ना, है ये सिंगल फंक्शन बट स्टिल वन डॉट लेके नहीं किया जाएगा, क्यों? उसका कारण, अगर मैंने वन डॉट लेके किया राइट, तो वन का ऑब्वियसली क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन, ये रूल है, इसका करूंगा डिफरेंशिएशन। तो अगले स्टेप के अंदर जो अगला वाला सेकंड पार्ट होता है जिसके अंदर इंटीग्रेशन आता है, उसके अंदर क्या आता है, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन, तो उसके अंदर दो टाइप आ जाएंगे तुम्हारी, क्या क्या, एक एक्स भी आ जाएगा और एक ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगा, सेकंड क्यूब एक्स का डेरिवेटिव, राइट, तो वो दो टाइप के फंक्शन हो गए, उसी को हटाना यूवी का रूल होता है, ना कि उसको जनरेट करना। हम यूवी रूल से जनरली फर्स्ट टाइप देखो क्या थी हमारी, आइलेट रूल, जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन आ रहे हैं उनको हटाना, और उसके अंदर किसको फर्स्ट लेना किसको सेकंड लेना, उसके लिए आइलेट रूल, उसको जनरेट करना मोटिव नहीं, उसको हटाना मोटिव है, तो इसलिए यहां पे हम वन डॉट लेके नहीं कर सकते अप्रोच, ये समझ में आया, राइट, वन डॉट लेके कर नहीं सकते। हाँ, अब उसके बाद अगला क्या जाता है, देखो पहली टाइप क्या थी, दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होने चाहिए जिसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड लेके जाएंगे, यहाँ पर तो है नहीं, वो वन डॉट लेके कर नहीं सकते, तो तीसरा बचा, यानी कि ये ऐसा इंटीग्रेशन होगा जिसकी इंटीग्रेशन करते करते ये खुद को जनरेट कर लेगा, बात समझ में आई, यस, ये ऐसा ही टाइप होगा। अब उसको अप्रोच करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको आई लेके चला, ठीक है, एंड मैंने इसको लिखा सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, अलग अलग कर दिया, ठीक, अलग अलग कर दिया। अब ये मेरे हाथ में है, ये चेक करना कि किसको डिफरेंशिएशन करना है, किसको इंटीग्रेशन करना, ये मेरे हाथ में, तो मैंने क्या देखा कि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन यार बड़ा ही सिंपल होता है, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है टेन एक्स, राइट, और इसका डिफरेंशिएशन बहुत बहुत सिंपल है सीकेंट इंटू टेन, राइट, और वापस वो आपस में रिलेट हो रहा है, क्योंकि इसका भी डिफरेंशिएशन में सीकेंट एंड टैन आ रहा है, इसके भी इंटीग्रेशन में टैन आ रहा है, तो वापस टैन एंड सीकेंट की फॉर्म क्रिएट हो रही है, राइट, तो मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन करने की कोशिश की, इसको डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन टैन एक्स माइनस इंटीग्रेशन सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टैन एक्स इनटू इसका इंटीग्रेशन टैन एक्स, तो टैन स्क्वायर एक्स हो गया डीएक्स, अब फंस गए, राइट, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था सीकेंट इनटू सीकेंट स्क्वायर, वो सीकेंट इनटू टेन स्क्वायर हो गया, लेकिन एक मस्त चीज है यहाँ पे, क्या कि टेन स्क्वायर एक्स को मैं सीकेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो वो मैंने लिखा, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट क्यूब एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू वन माइनस सीकेंट एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, अलग अलग कर दिया, तो ये बन गया सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस सीकेंट क्यूब एक्स डीएक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, और सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एलएन ऑफ मॉड सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, अब सी क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है, ये जो चीज है ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था आई, और ये आ गया माइनस आई, तो माइनस आई इधर आके क्या हो जाएगा टू आई, तो टू आई इक्वल टू क्या बना सेकेंड एक्स टेन एक्स प्लस एल एन ऑफ मॉड सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और टू से डिवाइड कर दो यू गेट द इंटीग्रेशन, तो ये सेकेंड क्यूब का इंटीग्रेशन आ गया, क्लियर हुआ, तो ये वो, और इसके अंदर अभी तक सिर्फ एक ही ऐसी टाइप देखी गई जिसके अंदर एक ही फंक्शन के अंदर इसको अलग अलग करके फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लिया जाता है, ये इसीलिए बोल रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट भी आ सकता है, तो ये अप्रोच हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये नोट करो, फिर आगे अगला वाला इसी के थ्रू जो टाइप जनरेट होता है वो करते हैं, शाबाश। नेक्स्ट टाइप हमारी आई है पिछली वाली टाइप से, यूवी रूल से ही, ठीक है, क्या टाइप है, ध्यान से देखो, e की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या टाइप है, e की पावर एक्स एंड दो फंक्शंस का एडिशन है जिसके अंदर एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है साथ में, ठीक है, तो क्या जाएगा ये, ध्यान से देखो, मतलब इसका डायरेक्ट
ई की पावर एक्स एफ एक्स अलग कर दिया dx प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डीएक्स अलग कर दिया, ठीक है, ई की पावर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया, ई की पावर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर लगेगा यूवी रूल, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, ध्यान से देखो, तो इसको डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव f का डेरिवेटिव f डैश x, सेकंड का इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x f डैश x dx प्लस c, ये इसके साथ कटा सारा का सारा, तो बचा क्या f ऑफ x इंटू e की पावर x प्लस c, ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी सर। राइट कृपाल, यस सर। क्लियर है बाबा? यस सर। ठीक ठीक, और इसका क्वेश्चन अभी हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखा था, दैट इज ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, राइट, ये अगर एफ है तो ये क्या जाएगा इसका एफ डैश, इसका आंसर क्या आना चाहिए e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस c, क्योंकि फाइनल आंसर क्या आएगा e की पावर x इंटू एफ ऑफ x, तो इन दोनों के अंदर से हमें पहचानना है कौन सा एफ एक्स है कौन सा एफ डैश एक्स है, तो ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा एफ ऑफ x इंटू e की पावर x प्लस c, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है तो ये करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग करना पड़ेगा, राइट फिर एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर यूवी रूल लगाना पड़ेगा, जो फर्स्ट पार्ट के ऊपर यूवी रूल लगाओगे उसका जो सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन वाला है वो सेकंड वाले पार्ट के साथ कटेगा, तो जो बचा वही आंसर है, ठीक है। अब इसका ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है, इसलिए एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल और ले रहा हूं जिसके थ्रू ये क्लियर होगा, ठीक है। करना क्या है, ई की पावर एक्स ये क्वेश्चन देखो, अब हमें मालूम है कि अगर 1 बाय एक्स एफ एक्स है तो उसी का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स चला गया, तो क्या करना है इसके अंदर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स यानी कि एक्स की पावर माइनस वन, है ना, डीएक्स अलग कर दिया माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर यानी कि ई की सॉरी एक्स की पावर डीएक्स, इसको अलग कर दिया। अब इसके अंदर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन दिया तो क्या चला गया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो माइनस माइनस इधर माइनस आ गया, आ गया वन बाय इसका इंटीग्रेशन डीएक्स, और ये पार्ट एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ये वन बाय एक्स क्या है डीएक्स प्लस सी, और ये कटा सारा तो क्या बचा ई की पावर एक्स बाय एक्स प्लस सी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना मोटिव होता है एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, एफ एक्स को पकड़ के यूवी रूल लगाओ अपने आप सेकंड वाला पार्ट कट जाएगा, जो बचा वो आंसर है। हाँ जी क्लियर हुआ, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो। यस सर। वायुन क्लियर है? यस सर। यही मेथड था जो तू बोल रहा था पहले, ठीक है। अंशुमन चमन गौरांग क्लियर है? यस सर। गुरकिरत हिमानी ईशान जय क्लियर है? Yes, yes, sir. Yes, sir. किरपाल कुलेश लवन्या राधिका क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शौर्य शिवम मेहता साहब चलो नोट करो वो कहाँ है एनसीईआरटी अगला क्वेश्चन देखो जरा देखो e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन इट्स नॉट सिंपल इट्स लिटल ट्रिकी क्यों क्योंकि हमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करने के बाद इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना ठीक है अब देखो यार क्वेश्चन देखे मेरे को कैसे पता चलेगा ये वाली फॉर्म है या यूवी रूल है मैं तो इसको यूवी रूल भी समझ सकता हूं ना फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आईलेट रूल भी लगा सकता हूं तो कैसे पता चलेगा
बड़ी सिंपल सी बात है, मेरा अगर f और f डैश का कॉम्बिनेशन जनरेट हुआ तो वो यही है। यूवी रूल के जितने भी e की पावर x के क्वेश्चन आए उनके अंदर f एंड f डैश वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, अगर मिला तो इसके थ्रू। इसके अंदर भी तो एक्चुअली में काम तो यूवी रूल ही कर रहा है लेकिन आधे पार्ट पे, सारे पे नहीं, ये याद रखना। तो ये रिकॉग्नाइज करना स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है कि क्या गिवन क्वेश्चन को हम इसको जैसे e की पावर x के साथ ये आ गया तो क्या इस चीज को दो ऐसी चीजों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो कि एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स की फॉर्म में आ जाए। अगर नहीं तो डायरेक्ट यू भी रूल है, अगर कर सकते हैं तो ये वाला रूल लगेगा। अब जैसे देखो इधर क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक सर है ना। हाँ जी बाजून सर, सपोज अगर हमें पेपर में नहीं पता चला कि कौन सी फॉर्म है फिर तो निकलेगा डायरेक्ट उससे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये रिकॉग्नाइज करना ही तो मोटिव है, ठीक है, इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी है हमें। आ जाओ देखो, तो इसके अंदर मैंने ये देखा कि इट्स अ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, लॉन्ग डिवीजन, ताकि ऊपर डिग्री कम हो जाए। सबसे पहला मेथड ही हमारा ये होता है, राइट। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन को डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन के साथ। हाँ है ना, ये थोड़ा बड़ा लिख दो, इसके साथ। तो वन डॉट लेके क्या चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये कटा तो आ गया माइनस टू एक्स। तो ये पूरा का पूरा क्या चला जाएगा, दिस थिंग कैन बी रिटन एज क्वोशेंट वन प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर एक्स प्लस वन का स्क्वायर dx एंड साथ में क्या जाएगा, e की पावर x इंटीग्रेशन। हां जी क्लियर हुआ, डिविडेंड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। अब ये देखो अलग अलग कर दिया तो ये क्या बन गया, e की पावर x इंटू वन e की पावर x, माइनस टू बाहर आ जाएगा, e की पावर x इंटू x डिवाइडेड बाय x प्लस वन का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, dx इंटीग्रेशन। तो इस पार्ट की तो e की पावर x का इंटीग्रेशन यार, e की पावर x, बचा ये चीज। अब इसके अंदर ध्यान से देखो ट्रिक क्या है, प्लस वन माइनस वन, इससे क्या हुआ, ये बन गया x प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन का स्क्वायर x प्लस वन का स्क्वायर e की पावर x dx इंटीग्रेशन, माइनस टू एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब देखो ये एक x की पावर वन कटा तो ये बन गया e की पावर x इंटू वन बाय x प्लस वन माइनस वन बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो ये वही क्वेश्चन है जो यहां पे लिखा हुआ है, वन बाय x माइनस वन बाय x स्क्वायर। बिल्कुल यही जाएगा, बिल्कुल यही जाएगा। हाँ जी क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर यूवी रूल लगाऊंगा और ये वाला पार्ट अपने आप कर देगा, ठीक है। तो क्या बना, e की पावर x 1 बाय x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन माइनस e की पावर x बाय 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। अब इसके ऊपर यूवी रूल लगाऊंगा तो फर्स्ट फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन चाहिए, सेकंड फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो क्या बनेगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 बाय x का डेरिवेटिव या 1 बाय x प्लस 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय 1 प्लस x का होल स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x dx और ये वाला एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x 1 बाय 1 प्लस x का dx और ये सारी की सारी चीज जो आ रही है ये इंटीग्रेशन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस टू के साथ प्लस e की पावर x, ये ओरिजिनल बना तो ये इसके साथ कटा तो क्या बचा, e की पावर x माइनस टू e की पावर x डिवाइडेड बाय x प्लस वन प्लस c। तो दो मेन चीजें थी इसके अंदर, पहला लॉन्ग डिवीजन करके इसको सिंप्लीफाई करना, फिर उसके बाद प्लस वन माइनस वन करके अलग अलग करना, देन अपना एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स बना। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ, वायुन क्लियर है, अंशुमान यस सर गुड, नोट करो।